सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको शुरू किया था। क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग थोड़ा सा उसके, और समझेंगे कि भाई किस तरह से अप्लाई करते हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों को लॉजिक समझाया था मैंने उसका कि किस तरीके से काम होता है। अभी और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। तो मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ ऑब्वियसली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई किस तरीके से करते हैं हम इसको। मैं कर रहा हूँ पेज नंबर 189 एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक, एंड विल ट्राई अंडरस्टैंड दैट। तो इसको जल्दी से हटाया तो पहले ओके। सो दिस इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पेज नंबर 189, एक्सरसाइज इज 8.3। और इसका बहुत रैंडमली मैं एक सेकेंड क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है? तो 8.3 एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे पहले। जस्ट टैन 48, टैन 23, टैन 42 एंड टैन 67। क्वेश्चन बोल रहा है दैट यू हैव टू शो दिस इक्वल टू वन, मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये जो चार चीजों का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो वन के इक्वल आने वाला है। दिस इज व्हाट नीड टू प्रूव राइट नाउ। अब बहुत इजी चीजें मैंने आपको समझाई थी कि आप सबसे पहले तो अगर ऐसे एंगल्स दिए रहते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि कौन से एंगल्स मिलकर 90 बन रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि 48 और 42 का सब 90 होता है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, तो इनको पहले लिख लेता हूँ एक बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना, तो आगे पीछे कर सकते हो। तो टैन 48 इंटू टैन 42, इसको मैंने यहाँ पे साथ में लिख लिया। इसके अलावा 23 और 67 का सब भी 90 होता है, मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। मतलब दिस कैन बी रिटन एज इंटू टैन 23 इंटू टैन 67, इतना लिख सकते हैं। ऑब्वियसली इक्वल टू वन तो प्रूफ करना है, इसलिए राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करूंगा मैं, जो भी करूंगा लेफ्ट साइड में करूंगा अभी यहाँ पे। अब मेरे को पता है कि 48 प्लस 42 90 होता है, मतलब किसी भी, अब आपको बताया था मैंने ये भी लास्ट क्लास में कि दो में से हमेशा एक चीज को ही कन्वर्ट करना है, दोनों चीजों को एक साथ कभी कन्वर्ट नहीं करना है। तो या तो आप टैन 48 को कन्वर्ट करो या तो टैन 42 को कन्वर्ट करो। चलो इस केस में मैं टैन 48 को कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ फिर बाद में स्टेप में पुट कर दूंगा। तो टैन 48 कैन बी रिटन एज व्हाट, कॉट ऑफ 90 माइनस 48। ये लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने आपको, टैन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है। तो मतलब जो टैन 48 है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन उसको कॉट 42 भी लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 42 होता है। इसी तरीके से एक और चीज है हमारे पास, अब जैसे 23 है और 67, इन दोनों में से भी किसी एक को कन्वर्ट करना है, आपकी चॉइस है। मैं टैन 67 को कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो टैन 67 को कैसे लिखेंगे अपन, अपन इसको लिखेंगे कॉट ऑफ 90 माइनस 67, टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। मतलब टैन 67 कैन बी रिटन एज व्हाट, कॉट ऑफ 23, राइट? तो ये दोनों चीजों में से एक एक चीज को मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब ये वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी जगह पे, टैन 48 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं कॉट 42 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इक्वल प्रूफ किया। कॉट 42 इंटू व्हाट, टैन 42 तो पहले से था ही वहां पे। इसके अलावा क्या है, टैन 23 पहले से था वहां पे, और टैन 67 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉट 23, वो अभी मैंने निकाल के रखा है। अब आपको पता है कि कॉट और टैन रेसिप्रोकल भी होते हैं, मतलब कॉट 42 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन टैन 42, क्योंकि रेसिप्रोकल है और इंटू टैन 42 तो था ही। उसी प्रकार से टैन 23 को वैसे ही रखा और कॉट 23 को लिख दिया 1 अपॉन टैन 23। यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, मतलब आंसर कितना बचेगा, 1, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन आंसर कम्स आउट टू 1। मतलब आपने इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रूव कर दिया इक्वल टू 1। क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को भाई, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? ओके किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज जल्दी से कॉपी कर लेंगे भाई इसको। लिखना हो जाए तो बता देंगे जल्दी से।
सबका हो गया बच्चे? Should I get that off? Okay. I'll get it off quickly in that case. एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, इसी का सेकेंड पार्ट करते चलो। इजी क्वेश्चंस होते हैं बट कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कुछ बच्चे रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन अगर नहीं होगा तो बहुत इजी चीज है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके इसको यूज कर लेते हैं अपन। कई बार क्वेश्चन आएंगे तो अपन को यूज करना पड़ेगा इसको। एनीवेज आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट ना। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट बोल रहा है cos 38 इंटू cos 52 साइन ले, सॉरी cos 52 माइनस ऑफ साइन 38 इंटू साइन 52, और आपको ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू जीरो। वापस अलग अलग वैल्यूज हैं, आप वो एंगल ढूंढो जो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमको पता है 38 पे 52 90 होता है, तो वापस cos और sin, cos यहाँ पे दोनों cos हैं, दोनों में से एक को कन्वर्ट कर लो। चलो cos 38 को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। कैसे करेंगे? sin ऑफ 90 माइनस 38 से, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो cos थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल sec होता है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो sin है, ये हमको पता है। तो cos 38 विल बी इक्वल टू व्हाट? sin ऑफ 90 माइनस 38। इसका मतलब ये हुआ कि जो cos 38 है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? उसको अपन लिख सकते हैं sin ऑफ 52, क्योंकि 90 माइनस 38 52 होता है, ये कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, आपकी चॉइस है। बट अब बहुत ध्यान से देखना है कि भाई जब आप इसको चेंज करोगे तो कैसे चेंज होगा? cos 38 के जगह आप लोग sin 52 लिखने वाले हो, तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास? sin 52 into cos 52। अगर आपको पूरी चीज जीरो प्रूफ करनी है तो यहाँ पे भी वही चीज बनानी पड़ेगी फिर, तो ताकि sin 52 cos 52 में से वही माइनस होगा तभी तो आंसर जीरो आएगा, जिसमें से sin 52 ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, राइट? क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल 52 के, तो यहाँ पे 52 के बनने चाहिए। तो यहाँ पे आप sin 52 को चेंज मत कर देना, क्योंकि फिर वो 38 में चेंज हो जाएगा। तो अब हम sin 38 को चेंज करेंगे यहाँ पे, राइट? दोनों में से एक ही एंगल चेंज किया, यहाँ पे भी 38 वाला चेंज किया, यहाँ पे भी 38 वाला चेंज किया, ताकि एक जैसा बना रहे मेंटेन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इसको कर सकते हैं cos of 90 minus 38, right? तो sin 38 can be written as what? cos of 52, क्योंकि जो sin का reciprocal होता है वो cosec होता है, और इसका complementary तो cos होता है ना, तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे question में जहाँ पे cos 38 है वहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? sin 52 लिख दूंगा। तो कैसे आएगा? sin 52 और cos 52 तो पहले से था ही वहाँ पे, माइनस ऑफ, वैसे क्वेश्चन में जहाँ पे साइन 38 था वहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? वहाँ पे मैं लिखूंगा cos 52, और साइन 52 तो पहले से था वहाँ पे। ऑब्वियसली साइन 52 cos 52 माइनस साइन 52 cos 52 आ रहा है, एंड द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी जीरो, एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। समझ में आएगा सब लोगों को बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? ओके okay. सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से इसको लिख लेना। हो जाए तो बता देंगे सब। ओके चलो इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन कौन सा करें? चलो अब एक पैटर्न करेंगे अपन अच्छे से। सेम एक्सरसाइज है बट ये पैटर्न वापस थोड़ा अच्छा पैटर्न है, तो इसको देखेंगे। दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ द एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये, राइट? क्वेश्चन बोल रहा है दैट इफ टैन 2a इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस
18, आपको निकालनी है a की वैल्यू, राइट. tan 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. अब वापस बहुत सिंपल है, यहाँ पे कैसे ना a की वैल्यू नहीं पता है, वो पता होता तो सिंपल हो जाता क्वेश्चन, तो मतलब इक्वल हो ही जाता फिर तो. बट अगर a की वैल्यू नहीं पता है तो फिर भी हमको ये पता है कि क्वेश्चन ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड है, क्योंकि a एक्यूट एंगल है यहाँ पे और tan और cot हमको दिख रहा है थोड़ा सा. तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी एक पैटर्न बताया था जहाँ पे वैल्यू वाला पैटर्न था कि हम दोनों साइड एक ही रेशियो चलाते हैं, दोनों साइड एक ही रेशियो. यहाँ पे लेफ्ट साइड में tan है तो राइट में भी tan बनना चाहिए, या लेफ्ट में cot है तो राइट में भी cot बनना चाहिए, राइट. तो यही हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैं tan 2a को cot में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि दोनों साइड cot हो जाए और दोनों साइड से cot कट जाए. आप चाहो तो cot को भी tan में कर सकते हो कन्वर्ट. अब tan को cot में कन्वर्ट कैसे करते हैं, tan theta is written as what, cot of 90 minus theta. याद रखना ये पूरा एंगल है, एक ही एंगल है पूरा ये. तो tan 2a will be equal to what, cot of 90 minus of 2a. सबको समझ में आ गया, इजी चीज के, tan theta is equal to cot of 90 minus theta. ये जो कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल का कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहे हैं, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है tan 2a का, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, उसकी जगह अब मैं cot of 90 minus 2a लिख सकता हूँ. तो ये मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा. तो मतलब अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँ, हम cot of 90 minus 2, ये किसकी जगह लिखा है, tan 2a की जगह, एंड इक्वल टू cot of a minus 18. ये तो पहले से था ही वहाँ पे राइट साइड में, दोनों साइड cot है तो दोनों साइड के cot कैंसिल हो गए. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कितना बचा, 90 minus 2a बचा, राइट साइड में कितना बचा, a minus 18 बचा. समझ में आ गया, दोनों साइड से cot कैंसिल हो गए. अब क्या करना है, सारे a वाले साथ एक साथ ले लो, सारे डिग्री वाले एक साथ ले लो. मतलब ये वाला जो माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू, वैसे ये माइनस 2a उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 2a. a प्लस 2a कितना होता है, 3a. और 90 प्लस 1 18 कितना होगा, 108. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 अपॉन 3 व्हिच इज 36 डिग्री, राइट. तो आपको a की वैल्यू निकालनी थी और वो a की वैल्यू हमने निकाल ली भाई. बड़े सिंपल से क्वेश्चन आएगा, बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं. क्या करने का है, आपको दोनों रेशियोज को सेम बनाना है. अब देखो राइट साइड में भी कर सकते थे आप, बट यहाँ पे कैसे ना कि यहाँ पे बीच में ऑपरेटर भी है माइनस भी है, तो वहां पे थोड़ा मैथ्स होने की गलती हो जाती है, कई बच्चों की कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है. तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जो छोटी वैल्यू, जैसे सिंगल वैल्यू 2 है, सिंगल वैल्यू, उसको कन्वर्ट करो रादर देन a माइनस 18 को कन्वर्ट करने जाओ. आंसर फिर भी एक ही आता है, बट फिर भी अगर आप छोटी वैल्यू को कन्वर्ट करोगे तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे वहां पे. सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है भाई इसमें. Does everyone understand the question, guys? Does everyone understand the pattern of the question? Pattern important है? सबको समझ में आ गया? Okay. जल्दी से कर लेंगे भाई इस question को. सबका हो जाए तो बता देंगे. ओके, आई गेट इट ऑफ इन दैट केस. चलो अब करते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का. रैंडम उठा रहा हूँ, कुछ अलग पैटर्न रहेंगे तो वो अभी छोड़ रहा हूँ, वो मैं समझाऊंगा. ये वाला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का. sec 4a इज इक्वल टू sec a माइनस 20 और आपको a की वैल्यू निकालनी है. ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो जल्दी से. sec 4a इज इक्वल टू cosec ऑफ a माइनस 20 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. करके दिखाओ जल्दी से मेरे को.
हो जाए तो बताएंगे क्वेश्चन वाला, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे बेस्ड है। A equal to 20, आएगा बेटा, 20 नहीं आएगा। A should be equal to 22, it cannot be equal to 20, अक्षत गड़बड़ हो रही है बेटा कहीं देखो। हाँ दिव्यांश आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? सब लोगों के लिए कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन एक बार में, अदरवाइज तो आप लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हम sec 4a को किस में कन्वर्ट करेंगे, cosec में, कॉम्प्लीमेंट्री है। दिस कैन बी रिटन एज cosec ऑफ 90 माइनस 4a, सेम एंगल रखा है मैंने, तो मतलब क्वेश्चन में sec 4a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, cosec ऑफ 90 माइनस 4a लिख दूंगा, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, cosec ऑफ a माइनस 20, ये तो पहले से था यहाँ पे, दोनों साइड से cosec कटे आएगा, तो कितना बचेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ये माइनस 4a इधर आके पॉजिटिव, माइनस 20 इधर आके पॉजिटिव, मतलब ये कैसे आएगा 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस ऑफ 4a, a प्लस 4a कितना हो जाएगा 5a, तो 5a विल बी इक्वल टू 110 एंड a विल बी इक्वल टू 110 ओवर 5 व्हिच इज 22 डिग्री। ओके समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। चलो हटा दो भाई, कुछ कर तो नहीं, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी लिखना तो नहीं आप लोगों, जिसको लिखना है वो जल्दी से लिख लेंगे ऑब्वियसली, अदरवाइज आई गेट दिस ऑफ। एनीवेज एक और क्वेश्चन करेंगे, अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। अरे मैंने हटा दिया क्या, दिस इज एक्सरसाइज 8.3 पेज 189। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे अब अपन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपन को, tan a इज गिवन इक्वल टू cot b, वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। बड़ा सिंपल सा पैटर्न है राइट, ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैटर्न है ही नहीं। वापस tan इक्वल टू cot भी दिया और a प्लस बी को 90 प्रूफ करना है, मतलब a प्लस बी का सम 90 आ रहा है, मतलब a और b कॉम्प्लीमेंट्री प्रूफ करने एक तरीके से आपको राइट। ये तो पैटर्न किया हुआ है पहले हम लोगों ने। वापस tan को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो tan a को कैसे लिखोगे, cot ऑफ 90 माइनस a लिखोगे, याद रखना यही एंगल सेम होता है यहाँ पे, b से कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मतलब अब जो क्वेश्चन में जो tan है उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, cot ऑफ 90 माइनस a लिख देंगे, तो अपन कर सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस a इक्वल टू cot b जो पहले से था, दोनों साइड cot है तो काट देंगे, तो कितना बचेगा 90 माइनस a इक्वल टू b, और ये माइनस से उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 90। एंड ऑब्वियसली वी कैन राइट हैंड प्रूफ, वही प्रूफ करना था। एक और तरीका क्या है क्वेश्चन का, कि भाई आप tan a को कन्वर्ट मत करो, आप cot b को कन्वर्ट कर दो, तो cot b अगर कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा, वो हो जाएगा tan ऑफ 90 माइनस बी में कन्वर्ट, याद रखना वापस एंगल सेम रखना, तो cot b की जगह जो क्वेश्चन में cot b है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 90 माइनस b लिख सकते हैं, तो tan जो पहले से था दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस b, दोनों साइड tan आ गया तो कड़े आएगा, तो कितना बचेगा a इक्वल टू 90 माइनस b, b इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 90, और वापस इंप्रूव कर सकते हैं अपन,
तो आइडियली दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट साइड को कन्वर्ट करो या राइट को कन्वर्ट करो, आंसर एक ही आता है। समझ में आ गया भाई सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट हो तो बता देना। समझ में आ गया? बहुत इजी चीज है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं इसके अंदर कुछ भी, राइट? ओके, इसको हटा देता हूं फिर मैं जल्दी से। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए आपको जल्दी से, तो आप ट्राई करके दिखा दो मेरे को थोड़ा सा। वापस सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दैट साइन 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26। आपको मुझे 2a की वैल्यू बतानी है कि 2a कितना होगा। ट्राई करो, साइन 3a इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री, यू हैव टू गिव मी द वैल्यू ऑफ 2a, हो जाएगा बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करो। ओके हिमांशी, गुड जॉब, बिल्कुल सही है। बाकी लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके नहीं आ रहा है, कर देते हैं बिल्कुल अपन यहाँ पे। सेम पैटर्न है, वापस लेफ्ट साइड में साइन है तो उसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूँ क्योंकि राइट साइड में भी कॉस ही है। तो साइन 3a को कैसे लिख सकते हैं अपन? ये सोल्यूशन है, साइन 3a कैन बी रिटन एज व्हाट? कॉस ऑफ 90 माइनस 3a, ये कर सकते हैं अपन इसको, राइट? तो साइन 3a की जगह कॉस ऑफ 90 माइनस 3a लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। तो वी कैन राइट दिस एज कॉस ऑफ 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26। दोनों साइड कॉस है तो वो तो कट जाएगा, कितना बचेगा? 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। माइनस 26 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 3a उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना आएगा? 90 प्लस ऑफ 26 इज इक्वल टू a प्लस ऑफ 3a, मतलब 4a should be equal to what? 116, तो a कितना आ जाएगा? 29 degree आ जाएगा। But ideally question में a नहीं पूछा है, question में क्या पूछा है? 2a की वैल्यू, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी? 2 into 29, और अगर 2 into 29 तो मतलब कितना आ जाएगा आंसर? 58 degree आ जाएगा question में, right? अब ये जो question है ये actually एक solved example, example 10th है, सॉल्व एग्जाम्पल 10th एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ये वाला, सॉल्व एग्जाम्पल 10th फॉर द सेम पेज, पेज नंबर 189। उन लोगों ने उसमें सिर्फ ए पूछा था, मैंने उसको 2a करके पूछ लिया आपसे थोड़ा सा, राइट? तो ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि डायरेक्टली ए पूछ सकते हैं या 2a या जो भी पूछेंगे। बेसिकली आप पहले बेसिक एंगल निकालोगे फिर उसके डबल मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ गया सबको भाई कि कोई परेशानी है किसी को? अक्षत समझ में आ गया बेटा तेरे को? डाउट तो नहीं है? ओके जल्दी से लिख लो बेटा इसको, जो भी लिख रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। लेट मी नो वंस वी आर डन विद दिस। हो गया, चलो हटाते हैं इसको फिर।
ओके अब ओपन करते हैं अगला क्वेश्चन. यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. पेज नंबर 190 पे है ये वाला एक्सरसाइज सेम 8.3. डू द सिक्स्थ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन एक्चुअली दो तीन बार ऐसे पूछ लेते हैं कई बार वो लोग स्कूल लेवल एग्जाम्स में. बोर्ड में तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन. राइट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें इसके तीन एंगल्स हैं ए बी सी आर द थ्री एंगल्स. राइट और एक रिलेशन दिया हुआ है आपको. रिलेशन गिवन है दैट साइन ऑफ बी प्लस सी होल अपॉन टू इज इक्वल टू कॉज ऑफ ए अपॉन टू. और आधा ये प्रूफ करना चाह रहे आपको. राइट क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें से ए बी सी जो तीन एंगल्स हैं और आपको ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना है उन लोगों को कि भाई ये रिलेशन ट्रू है. अब बहुत इजी क्वेश्चन है बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. तो जैसे अभी तक अपन करते आ रहे हैं वैसे करेंगे इसको. अब प्रूफ करना है तो मतलब राइट साइड तो यूज नहीं कर सकते अपन इसके अंदर. अपन लेफ्ट साइड ही यूज करेंगे. राइट अब राइट साइड में आपको प्रूफ करना है कि कॉज में जाना है मतलब लेफ्ट साइड का साइन को भी कॉज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आप साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले एक बार. तो साइन थीटा या साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू. साइन थीटा कितना होता है कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा होता है. तो दिस कैन बी रिटन एज कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा. ये पूरा थीटा है बी प्लस सी बाई टू. ये पूरा एक ही एंगल है तो 90 माइनस थीटा. सबको समझ में आ गया इजी है. मतलब अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. मतलब साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू कैन बी रिटन एज व्हाट कॉज ऑफ. अब यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम आएगा क्योंकि 90 अपॉन 1 है. तो एलसीएम में कितना जाएगा 80 माइनस. अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो कितना आएगा माइनस बी प्लस सी. ऐसे कर सकते हो आप चाहो तो इसको ऐसे ही रखो. अभी ब्रैकेट ओपन मत करो एंड होल अपॉन टू. इतना कर सकते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं दैट साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू. या चाहो तो इसके पहले एक स्टेप कर लो. इसको एक काम करते इक्वेशन 1 लिख लेते हैं. अब एक स्टेप लिख लेते ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा और. अच्छा आपको ट्राइंगल दिया था ए बी सी जिसके तीन एंगल थे ए प्लस बी प्लस सी. इसका मतलब ये हुआ कि जो ए प्लस बी प्लस सी है उसका सम कितना आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए. राइट ये चीज समझ में आ गई हम लोगों को. क्यों 180 होना चाहिए क्योंकि सम एंगल प्रॉपर्टी है. तो दिस इज एज पर सम एंगल प्रॉपर्टी. राइट तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दो तरीके लिखने के. देखो यहाँ पे जो 180 डिग्री है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन में. फर्स्ट इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है उसमें जो 180 डिग्री आ रहा है उसके जगह पे आप पूरा ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो क्योंकि भाई बात तो एक ही है. तो इसको इस तरीके से करते हैं. सो पुटिंग दिस इन 1 तो कैसे आएगा साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू जो अपना लेफ्ट हैंड साइड था दैट विल बी इक्वल टू व्हाट कॉज ऑफ 180 की जगह क्या लिख दूंगा मैं ए प्लस बी प्लस सी. और माइनस पहले से क्या था अपने पास बी प्लस सी तो था ही अपने पास पहले से. होल अपॉन टू भी था पहले से. यहाँ पे समझ में आ गया मैंने क्या किया है जो 180 डिग्री था उसकी जगह पे लिख दिया है वह ए प्लस बी प्लस सी एज पर द सम एंगल प्रॉपर्टी. तो इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कैसे आएगा साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू वॉट कॉज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी था पहले से माइनस बी माइनस सी क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस सी हो जाएगा. होल अपॉन टू जिसमें से बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा. तो कितना बचेगा सर ए बचेगा. तो साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू कैन बी रिटन एज व्हाट कॉज ऑफ ए अपॉन टू जो आपको एक्चुअली प्रूफ करना था यहाँ पे. वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड. समझ में आया. शुरुआत कैसे की अपने क्वेश्चन की शुरुआत की भाई साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू व्हाट कॉज ऑफ ए बाई टू ये प्रूफ करना था. तो क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड को कॉज के हिसाब से प्रूफ करना है तो मैंने लेफ्ट साइड को कन्वर्ट किया उसके कॉम्प्लीमेंट्री में. मैंने क्या लिखा मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा. ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है. मतलब साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू जो पूरा एंगल है दैट कैन बी रिटन एज कॉज ऑफ 90 माइनस ऑफ बी प्लस सी बाई टू. ये ब्रैकेट लगाना बेटा यहाँ पे छोटा वाला बी प्लस सी बाई टू में क्योंकि फिर इजी हो जाता है नहीं तो फिर नेगेटिव में कन्फ्यूजन होगा आपको. फिर क्या किया राइट साइड में एलसीएम दिया है बस मैंने 90 इंटू टू 180 हो गया और माइनस ऑफ ब्रैकेट अभी भी देखो ओपन नहीं हुआ है. मैंने ओपन कुछ नहीं किया था कि कन्फ्यूजन ना हो. तो माइनस ऑफ बी प्लस सी बाई टू वैसे रखा हुआ है. अब मैंने सम एंगल प्रॉपर्टी लगाई. सम एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 होता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. तो ये जो राइट साइड में 180 आया तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन में.
तो कैसे आ गया cos of a plus b plus c minus of b plus c, तो पहले से था ही और whole upon 2 पहले से था, तो जब पूरे ब्रैकेट्स ओपन हुए तो उसमें से b और c कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा दैट इज गोना बी a by 2 एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। समझ में आया सब लोगों को कि नहीं आया बेटा? एक और तरीका है करने का, वो भी बता दूंगा आपको अभी, ये हो जाए तो बता देंगे। सबको समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ भाई, कोई परेशानी तो नहीं है? ओके, हो जाए तो बता देंगे सब लोग। लिखना हो गया दिव्यांश? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसका एक और तरीका करता हूँ आपके लिए। वो बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है, आंसर तो वही आता है ऑब्वियसली, बट एक और तरीका है छोटा सा, ताकि आपको पता पड़े कि भाई एक और क्या कर सकते हो इसके अंदर। अब जैसे मैंने यहाँ तक किया वो तो सेम ही करूँगा, मैं कुछ अलग नहीं रहेगा, यहाँ से चेंजेस आएंगे थोड़े बहुत। ये अभी भी किसके अकॉर्डिंग नहीं था, सम एंगल प्रॉपर्टी के साथ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अभी पहले अभी मैंने क्या पुट किया था, मैंने पहले 180 डिग्री की वैल्यू पुट की थी, कितनी, a प्लस बी प्लस सी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू पुट करूंगा, ये जो b प्लस सी आया था उसकी वैल्यू पुट करूंगा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, जब ये a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, यू आएगी 180 माइनस ऑफ a, इतनी आएगी। सो अब क्या कर सकते हैं, अपन ये वैल्यू डाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। So putting this in one, तो कैसे आएगा, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू तो था ही पहले से, दैट इज इक्वल टू वॉट कॉज ऑफ, अब यहाँ पे मैं 180 को वैसे रखा क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूँ, मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बी प्लस सी की, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180 माइनस ऑफ ए एंड होल अपॉन टू तो था ही पहले से, मतलब साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू कितना आ जाएगा, कॉज ऑफ, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो कैसे होगा 180, फिर वो जो 180 है वो माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस ए है ये प्लस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसमें से 180 और 180 कैंसिल हो जाएगा और साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू जो था अपने पास जो प्रूफ करना है हमको, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉज ऑफ ए बाई टू के इक्वल। तो अगेन वही आंसर है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रूफ करना है, बट दो तरीके हैं आपके पास, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया सब लोगों को? चाहिए तो ये वाला दूसरा मेथड भी लिख लो जल्दी से, फिर एक और छोटा सा पैटर्न बताऊंगा आपको मैं। हो जाए तो बता देंगे। हो गया सबका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर भाई और समझते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करते हैं अपन एक्सरसाइज के, बहुत ज्यादा ऐसे छूटे नहीं है। बेसिक क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए, जो मुझे लगते काफी इजी है आप लोगों के लिए, वो आप लोग ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट्स रहेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लाइव क्लास में पूछो या यूट्यूब पे कॉमेंट में पूछ लो, वो आपकी चॉइस है, कहीं पर ही पूछ सकते हैं आप लोग। एनीवेज, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज का, सेवेंथ क्वेश्चन, वो करते हैं, वो एक और अलग पैटर्न है, वो करने की कोशिश करते हैं। दिस इज सेवेंथ क्वेश्चन अगेन, पेज नंबर 190 पे, एक्सरसाइज 8.3।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपको दिया हुआ है साइन 67 डिग्री एंड प्लस ऑफ कॉज ऑफ 75 डिग्री। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपको, क्वेश्चन ये लिख रहा है कि भाई आपको साइन 67 प्लस कॉस 75 को एक्सप्रेस करना है 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में। अब अगर आप देखोगे तो ये तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि 67 प्लस 75 ऑब्वियसली 90 तो नहीं होता, तो मतलब वो चेंज करके कोई मतलब है नहीं, इसको आपस में तो कोई चेंज होके कोई निकलेगा नहीं उसका, बट दोनों एंगल्स को आपको कन्वर्ट करना है 0 से 45 के बीच में। तो आप क्या करोगे, आप दोनों को कन्वर्ट करोगे क्योंकि दोनों ही 45 से ऊपर है और आपको सारे एंगल कितने चाहिए, 0 से 45 के बीच में चाहिए, तो आप इसको भी कन्वर्ट करोगे और इसको भी कन्वर्ट करोगे। तो जब साइन 67 कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा कॉज ऑफ 90 माइनस 67 में। मतलब साइन 67 किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया कॉज ऑफ 23 डिग्री के अंदर, राइट। इसी तरीके से जो कॉस 75 है, कॉस 75 वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा साइन ऑफ 90 माइनस 75 के अंदर। मतलब कॉस 75 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ 15 डिग्री के अंदर। तो अब आपने क्या कर दिया, आपने दोनों एंगल को कन्वर्ट कर दिया 0 और 45 के बीच में, 23 और 15 डिग्री दोनों 0 और 45 के बीच में। तो साइन 67 की जगह क्या पुट करोगे, कॉस 23, और कॉस 75 की जगह क्या पुट करोगे, साइन 15। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, कॉस 23 प्लस ऑफ साइन 15, जहां पे आपने एक्सप्रेस कर दिया है एंगल्स को इन बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। समझ में आ गया सबको, कोई परेशानी तो नहीं समझ में, डाउट? बहुत इजी पैटर्न है ये वाला, आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना रहता है। कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, नहीं हो तो कर लो और करने के बाद बता दो मुझे। हो गया, करना हो गया, लिखना हो गया। ओके, ये पैटर्न समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैटर्न्स होते नहीं, 2-3 पैटर्न्स होते हैं, इजी से पैटर्न्स हैं वो भी बहुत। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए, फिर मैं इसके इजी से क्वेश्चन होगा बिल्कुल इसके भी बहुत। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है cot 85 प्लस ऑफ cos 75। आपको cot 85 प्लस cos 75 को एक्सप्रेस करना है बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री के एंगल्स। करके दिखाओ जल्दी से कितना आएगा इसका आंसर, फाइनल बता दो। cot 85 प्लस cos 75 को 0 से 45 के बीच में एक्सप्रेस करना है। Let me know once you guys are done with that. समझ में नहीं आया कुछ तो बता देंगे प्लीज। अक्षत यार, कॉट कॉस 15 में कन्वर्ट कैसे होगा बेटा, कॉट का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो टैन होता है और कॉस का जो होता है वो साइन होता है, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा बेटा। फिर ऐसी गड़बड़ नहीं करना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि अपन जल्दबाजी में कर देते हैं। तो जो cot 85 है उसको अपन कैसे लिखेंगे, tan of 90 माइनस 85 लिखेंगे, मतलब cot 85 कैन बी रिटन एज tan of
5 डिग्री, वैसे cos 75 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड एज साइन ऑफ 90 माइनस 75, मतलब ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 15 डिग्री, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, cot 85 की जगह आएगा राइट tan 5 डिग्री और cos 75 की जगह आई कैन राइट साइन 15 डिग्री एंड दैट इज हाउ वी हैव एक्सप्रेस दीज टर्म्स इन बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री. समझ में आ गया सब लोगों को भाई, बहुत इजी पैटर्न है, बिल्कुल डिफिकल्ट पैटर्न नहीं है ये वाला भी. अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में कोई परेशानी बेटा, जितना भी हम लोगों ने किया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देंगे. ट्रिग्नोमेट्री रिमेंबर इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बहुत इजी है, बड़ा एप्लीकेशन है इसका, वेटेज भी अच्छा है इसका, तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है अपन को इस पर. हो गया सबका ये वाला, हटा दो फिर ये वाला क्वेश्चन यहां से. ओके आई विल जस्ट गेट इट ऑफ. एनीवेज अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके ऊपर. तो यहाँ पे अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है राइट. अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो इस पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास. अब जब हम आइडेंटिटीज पे आएंगे, जो लास्ट टॉपिक है एक्चुअली इसका, बट सबसे वास्ट टॉपिक यही है पूरा का पूरा इसमें से. अब जितना भी ट्रिको हमने पढ़ा है वे पूरा का पूरा ट्रिको आइडेंटिटीज में लगाना है अपन को, ठीक है. आइडेंटिटीज जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज देखी हुई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस टाइप की देखी हुई है, उसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्री की भी आइडेंटिटीज होती है. हमारे कोर्स में 3 आइडेंटिटीज दी हुई है हमको, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज है राइट, और इन्हीं के ऊपर पूरा ट्रिगो रिवॉल्व करेगा अपना. आज हम लोग एक आइडेंटिटी के देखेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, बाकी आगे की क्लास में देखते चलेंगे. तो जो पहली आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये होती है पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. बहुत ध्यान से देखना बेटा, कोई भी डाउट हो तो इमीडिएटली बता देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है बहुत. तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है. वापस बहुत ध्यान से याद रखना कि ये जो एंगल से ये सेम होने चाहिए, एंगल अलग अलग हो गए तो ऑब्वियसली फिर तो चेंज हो जाएगा, फिर पॉसिबल नहीं होगी आइडेंटिटी. तो अगर आपको ये इक्वल टू 1 लिखनी है कभी भी, तो आपको हमेशा उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अंदर जो थीटा है वो सेम रखना पड़ेगा. अब हम इसके प्रूफ दो टाइप से देखेंगे, एक तो जनरल प्रूफ देखेंगे और फिर एक टेबल में से कोई वैल्यू उठा के देखेंगे कि कैसे प्रूफ होता है. तो इसको प्रूफ करने के लिए वापस मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं. ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया एबीसी, राइट एंगल एट बी कर ले और यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया मैंने यहाँ से. तो इस हिसाब से वापस हमको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, ये निकालना आता है हमको. तो उस हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब वो हो जाएगा कितना ए बी अपॉन ए सी. कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कितना आएगा बी सी अपॉन ए सी. अब मैं क्या करूंगा, मेरे को आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, इक्वेशन को प्रूफ करना है, तो इक्वल टू 1 प्रूफ करना है. तो 1 तो मैं हाथ लगा सकता नहीं, वो राइट साइड में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट कर सकता हूँ बस में. तो साइन थीटा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ए बी अपॉन ए सी. तो ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही प्लस ऑफ व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर. और अब देखते हैं कि ये 1 आता है कि नहीं आता है, तो देखेंगे इसमें अपन. पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर कितना होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. डिनोमिनेटर कॉमन है तो एलसीएम वही रहेगा उसका, तो ऊपर कितना आ जाएगा अपने पास, ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर. अब अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी देखते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, ए सी स्क्वायर आती है. दिस इज एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ये हमको पता है ऑलरेडी. मतलब इस स्टेप में जहां पे हमारे पास न्यूमरेटर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आया है, उसकी जगह पे हम ए सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल ही होता है. मतलब आई कैन राइट दिस एज ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और वही तो आपको प्रूफ करना था,
तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली प्रूव द आइडेंटिटी. बड़ी सिंपल सी प्रूफ है इसका, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है इसके अंदर. आपको प्रूव करना था दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वन, और ये आपने इसको प्रूफ किया हुआ है. ये वाला प्रूफ सबको समझ में आ गया क्या भाई, कि किसी को कुछ परेशानी है इसके अंदर? कोई डाउट हो तो मुझे बता दो अभी. हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं. अपन बहुत इजी तरीके से समझते हैं हमेशा, राइट? तो अब एक और तरीका करने का, अब हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू उठा के कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं. मैंने आपको क्या बताया कि भाई एंगल सेम होना चाहिए बस. तो लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. टेबल की आ जाओ, आपको पता ही ऑलरेडी, टेबल देख भी सकते हो आप चाहो तो. थीटा 30 रखूंगा तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, साइन स्क्वायर 30 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 30. देखो एंगल सेम रखा है और प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोशिश कर रहा हूँ. टेबल में से वैल्यू देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर. कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4. √3/2 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास, रूट का तो खड़े आएगा तो वो आ जाएगा 3/4. वापस LCM तो 4 ही है, तो कितना आएगा, 1+3, मतलब 4/4, विच इज अगैन इक्वल टू 1. मतलब अगर आपने एंगल सेम रखा है तो फिर भी आप उसको साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू जैसे बनाती, वैसे ही अगर आप एंगल सेम रखते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. तो अगर आपको कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है और अगर आपको लग रहा है एंगल दोनों का सेम, तो आप उसको इक्वल टू 1 भी कर सकते हो डायरेक्टली. आप वहां से साइन कॉस हटा के डायरेक्टली 1 ले सकते हो. ये आइडेंटिटी का यूज है. समझ में आया आप लोगों सबको भाई ये, कि नहीं समझ में आया किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो. Everyone has understood this thing? Okay, ये लिख लो जल्दी से. First identity का proof है वो. Angle के हिसाब से करना हो तो आपकी choice है. Theta equal to 30 आपको समझाने के लिए. Left hand side वाला पूरा proof है. But आप चाहो तो पूरा कर सकते हो. वैसे कोई problem नहीं. कोई भी angle ले लो तो answer वही आता है. But angle same होना चाहिए बस. Angle अलग अलग होगा तो नहीं होगा. फिर कर लेंगे जल्दी से. पहली identity है ये. फिर इसके एक दो वेरिएशंस बताता हूँ आप लोगों को मैं भी. हो गया, हटा दूं फिर ये पूरा. ठीक, चलो इसको हटाते हैं और समझते हैं इसको. इसको हटाता हूँ पूरा मैं. वो आइडेंटिटी लिखी रहेगी वहीं पे, इसी को यूज करेंगे थोड़ा सा अपना भी. अब जो मैं कर रहा हूँ उसको हम बोलते हैं कंडीशनल चीज़ें हैं, कि भाई आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज करना रहता है कि भाई क्या लगा सकते हो क्या नहीं लगा सकते. ठीक है, तो अब जैसे पहली जो आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अब सपोज यार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, बट आप चाहते हो कि नहीं यार आपका जो क्वेश्चन है वो साइन वाले रेशियो से नहीं होगा, वो कॉस वाले रेशियो से होगा. तो आप साइन स्क्वायर थीटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कॉस के अंदर? तो आप उसको इक्वेशन यूज कर सकते हो. आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा उधर आके माइनस हो जाएगा तो कितनी आएगी वैल्यू, वो आ जाएगी 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा. मतलब आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी एक्चुअली रिटन एज 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, वो कर सकते हो आप लोग यहां से. इसी तरीके से अगर आपको कॉस को कन्वर्ट करना है साइन के अंदर, तो वी कैन राइट व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. ये दोनों कर सकते हैं अपन यहाँ पे, बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे. समझ में आ गया, बहुत इजी चीज है. साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, या कॉस स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया. इसी तरीके से यहीं से अगर आप एक और चीज निकालते हो कि नहीं यार आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए. अगर सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है ये हट जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा. तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये कर सकते हो. अब याद रखना, हम लोगों की आदत रहती है बहुत बार कि जब भी स्क्वायर वाली चीज रूट के अंदर दिखती है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली वो बाहर निकाल लेते हैं. ये नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये पूरी एक ही चीज है. सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा होता तो रूट के बाहर आके कॉस थीटा बन जाता, बट यहाँ पे पूरा का पूरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा. उसी तरीके से कॉस थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट.
तो अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या यूज करना है या किस हिसाब से यूज करना है, आप अकॉर्डिंगली वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक आइडेंटिटी फिर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन ही रहेगी। अब अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप इन दो तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया सब लोगों को कि नहीं आया भाई? कोई डाउट हो तो बता दो। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से लिख लेंगे इसको पूरा, हो जाएगा तो बता देंगे। हो गया सबका? अच्छा समझ में आ गया भाई। फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत इजी आइडेंटिटी है, बहुत बेसिक आइडेंटिटी है। आई एम प्रीटी श्योर कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो अभी बता दो। कोई डाउट है क्या किसी को अभी? ओके गुड जॉब। तो उस हिसाब से विल नॉट बी डूइंग फर्दर आइडेंटिटीज टुडे, नेक्स्ट क्लास में कन्वर्ट करेंगे उसको ऑब्वियसली अपन, क्योंकि नेक्स्ट चीजों में भी अब बड़ा चीजें करनी है अपन को। दो आइडेंटिटीज और हैं, उनके भी प्रूफ देखेंगे, उनके ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन आएंगे हमको वहीं से आइडेंटिटीज के ऊपर, ठीक है? तो आई विल सी यू गाइस टुमारो विद इलेक्ट्रिसिटी बैक अगैन एंड डे आफ्टर टुमारो विद ट्रिग्नोमेट्री बैक अगैन। इन दैट केस कोई भी डाउट हो यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, वहां से देख लेना। डाउट हो तो वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, ठीक है? तो इन दैट केस आई विल सी यू गाइस बैक टुमारो। हैव अ गुड डे। बाय।